मगध यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों, 18, 21 और 19, 22 के सभी छात्रों के लिए रिजल्ट को लेकर और असाइनमेंट को लेकर बड़ी खबर निकल कर आया। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग आ जाइए मगध विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, गूगल ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन का, गूगल ओपन करके सर्च कर दीजिए magadhuniversity.ac.in। दोस्तों, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है, कौन सा सुनना पसंद करेंगे, एक अच्छी खबर या बुरी खबर? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सुनाऊंगा तो दोनों ही, क्योंकि अच्छी और बुरी दोनों खबर सुनाऊंगा पाए, लेकिन पहले मैं आपको अच्छी खबर सुना देता हूं कि अच्छी खबर क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगा हमारे चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। चैनल पर न्यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए, आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन होगा मगध विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। दोस्तों, काफी स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि सर, काफी दिनों से अच्छा खबर नहीं मिला है, आप जल्दी बताएं अच्छी खबर क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी खबर यह है कि अब आप लोगों का जो परीक्षा थर्ड ईयर का, यानी जो 18-21 के छात्र हैं उनका थर्ड ईयर में जो परीक्षा होगा, और जो 19-22 के छात्र हैं उनका सेकंड ईयर में जो परीक्षा होगा, ये दोनों सेशन के छात्रों का परीक्षा असाइनमेंट के थ्रू लिया जाएगा। किसके थ्रू लिया जाएगा? असाइनमेंट के थ्रू। असाइनमेंट पर ही आप लोगों का जो है परीक्षा इस बार निर्धारित होगा। परीक्षा नियंत्रक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बात स्पष्ट की है, इस साल जो है आप लोगों का परीक्षा असाइनमेंट के थ्रू होगा। दोस्तों, इस बार जो आप लोगों का परीक्षा असाइनमेंट के थ्रू होगा, तो एक बात और कहना चाहूंगा, यह तो अच्छी खबर है, क्योंकि असाइनमेंट के थ्रू जो पेपर होगा तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा सलूशन रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को मालूम है कि सेंटर द्वारा जो परीक्षा होता है तो स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है, जो विकलांग स्टूडेंट्स हैं या मान लीजिए जो बहुत ही लाचार स्टूडेंट्स हैं उनको जाना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है, जिसको पैसे की भी प्रॉब्लम होती है जिन स्टूडेंट्स को। तो जहां मान लीजिए सेंटर 50 किलोमीटर है या 80 किलोमीटर है, तो वहां पर रूम लेकर रहना पड़ जाता है, परीक्षा देना पड़ता है, या तो दिन प्रतिदिन आना जाना ये बहुत ही महंगा पड़ जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, सेंटर द्वारा इस बार परीक्षा नहीं लिया जाएगा, इस बार परीक्षा असाइनमेंट के द्वारा लिया जाएगा, और असाइनमेंट के द्वारा घर बैठे ही आप सारे क्वेश्चन को हल करके और ले जाकर कॉलेज में जमा कर देंगे, ठीक है, कॉलेज में जमा कर देंगे, उसके बाद उसी के थ्रू आपका रिजल्ट बनेगा। ओके, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया अच्छी खबर, ये सबसे बेहतर खबर है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को अपने निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन भी कर लें, कि टेलीग्राम ग्रुप से सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, आने वाली सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में आपको पल पल के अपडेट मिलता रहेगा। अब चलिए जान लेते हैं दूसरी जो बुरी खबर है, आखिर ये दूसरी खबर क्यों इतनी बुरी है, चलिए जान लेते हैं। इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि आप लोगों का रिजल्ट जो है अभी जारी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी हाँ, स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि रिजल्ट अभी जो है अधिकारियों द्वारा सूचना मिलने के अनुसार रिजल्ट अभी जारी नहीं होगा, रिजल्ट जारी होने में टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा अभी इसके बारे में कोई भी स्पष्ट नहीं हुआ है। बस मेरा मानना है कि आप लोग इस थ्री वाले मेनू बटन पर आइए और यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है रिजल्ट की प्रोसेसिंग लगातार चेक करते रहिए, magadhuniversity.net पर आकर चेक करते रहिए, ठीक है, रिजल्ट अभी जारी होने में टाइम लगेगा। दोस्तों, अधिकारियों द्वारा यह भी बोला गया है कि अभी रिजल्ट का डेट क्लियर नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट का डेट हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हेड ऑफिसर हैं वो अभी तक आदेश नहीं दिए हैं। जब तक हेड ऑफिसर का आदेश नहीं आ जाता, तब तक जो है रिजल्ट का कोई भी डेट क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोग चिंता मत करें, प्रयास लगा हुआ है, जारी है प्रयास, मगध विश्वविद्यालय के हेड ऑफिसर से जो है बात करने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही अगर बातचीत होती है, जैसे रिजल्ट को लेकर डेट क्लियर होता है, सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड आपको मौर्य गुरु एकेडमी करवाएगी, ठीक है। वीडियो को आप लोग अपने निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर करते रहें, चैनल पर न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब करते रहें, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, कि टेलीग्राम ग्रुप में आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको इसी तरह सबसे पहले अपडेट भी अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि जो भी इंफॉर्मेशन आता है सबसे पहले हमारे इस
चैनल पर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो लिखेंगे न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट्स लगातार सवाल कर रहे थे कि सर आप मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट को लेकर लगातार स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं। दोस्तों चिंता ना करें, वेबसाइट को लेकर जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द जो है आप लोगों को वेबसाइट एक लॉन्च मतलब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट हम बनाएंगे बहुत जल्द, एक या डेढ़ महीने के अंदर अंदर में जो है आपको अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी के थ्रू वेबसाइट देखने को मिल जाएगा और वेबसाइट पर सारी जानकारी सारी नोटिफिकेशन डाला जाएगा, ठीक है। तो एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर में जो है आपको वेबसाइट मिल जाएगा, बस आप लोग एक डेढ़ महीना इंतजार कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे।